भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के दौरे पर रवाना हो गई है, जहां वह 2 साल पहले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज की सफलता को दोहराना चाहेगी। बीसीसीआई ने भारतीय टीम की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें खिलाड़ी पीपीई किट पहने हुए हैं। यह दौरा कोविड-19 महामारी के बीच हो रहा है। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भारतीय टीम की वापसी, चलो नए तौर तरीकों को अपनाएं। भारतीय टीम के अधिकतर खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे थे। अपनी टीमों का अभियान समाप्त होने के बाद वह अधिकतर खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के लिए तैयार किए गए और बबल बायो में चले गए। टेस्ट विशेषज्ञ चितेश्वर पुजारा और अन्य सहयोगी स्टाफ पिछले महीने यहां पहुंचने के बाद राष्ट्रीय टीम के लिए तैयारी में जुट गए थे। मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5वां खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा और बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में चोट से उभर रहे ईशान शर्मा बाद में टीम से जुड़ेंगे। यह दोनों केवल टेस्ट टीम का हिस्सा है। रोहित को पिछले महीने मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण किसी भी टीम में नहीं चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें टेस्ट टीम में रखा गया। रोहित ने अंतिम लीग में मैच में वापसी करके सभी को चौंका दिया। इसके बाद क्वालिफायर और फाइनल में भी खेले थे। भारत के नंबर 1 टेस्ट विकेटकीपर रिद्धिमान शाह भी टेस्ट टीम के दौरे पर जा रहे हैं। वह आईपीएल में अपनी टीम सनराइजर्स की तरफ से खेलते हुए 3 नवंबर को चोटिल हो गए थे। बीसीसीआई ने 9 नवंबर को संशोधित टीम घोषित करते हुए कहा था शाह की उपलब्धता पर बाद में फैसला किया जाएगा। भारतीय टीम 27 नवंबर को 3 वनडे, 3 टी20 इंटरनेशनल और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। वनडे और टी20 सीरीज 27 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच सिडनी और कैनबेरा में खेला जाएगा। वही बहुपरिशिक्षित टेस्ट सीरीज की शुरुआत एडिलेड में 27 टेस्ट सीरीज की शुरुआत एडिलेड में 17 दिसंबर से डे नाइट टेस्ट मैच से होगी। कप्तान विराट कोहली को पहले टेस्ट मैच के बाद पैटर्निटी लीव की अनुमति दे दी गई है। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जनवरी में पहले सप्ताह में मां बनने वाली है। भारतीय टीम सिडनी पहुंचेगी, जहां वह 14 दिन का क्वारंटाइन पे रहेगी। इसके दौरान हालांकि उन्हें अभ्यास करने की अनुमति दे दी गई है।